हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में जो न्यू वैकेंसी आई है पुलिस विभाग में, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाए। एंड फ्रेंड्स, हम इसमें वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर आपका यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भरने तक का, मैं आपको इसमें बताने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। एंड फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं है या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली अगली गवर्नमेंट जॉबों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियली वो कुछ इस प्रकार है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वे कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में नोटिफिकेशन है। एंड फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हो इसका नोटिफिकेशन आपकी ये इस नोटिफिकेशन नंबर भी देख सकते हैं एंड इसका नोटिफिकेशन डेट भी देख सकते हैं 22/2020 को इसका नोटिफिकेशन आया था। एंड फ्रेंड्स, इसके जो आपके देख सकते हैं यहाँ पर नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि थी तो फ्रेंड्स 25/11/2020 थी। एंड फ्रेंड्स, आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि 24/12/2020। एंड फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अंतिम तिथि 7/1/2021। एंड फ्रेंड्स, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि है इसकी 12/1/2021 है, यानी कि इसकी लास्ट डेट आने वाली है 7/1/2021 में, यानी कि 7 जनवरी 2021 में। एंड फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं उपरोक्त समस्त तिथियां पूर्णतः संभावित है जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। विभाग से प्राप्त मांग के अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या 4000 है जिनमें परिवर्तन की संभव है, यानी कि इनमें परिवर्तन भी हो सकता है। अब बात आती है फ्रेंड्स आपके इसमें जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो किस प्रकार भरना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020-21। एंड यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट है यहाँ की हाल ही की है। एंड फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल रेडियो एंड कांस्टेबल जीडी के लिए इसमें पोस्ट आई हुई है। एंड नंबर ऑफ वैकेंसी 400 वैकेंसीज आई हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस प्रकार होने वाला है, फेज फर्स्ट में आपका रिटन टेस्ट होगा और फेज सेकेंड में फिजिकल प्रोफेंसी टेस्ट एंड फेज थर्ड में आपका ट्रेड ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। एंड एग्जाम डेट, तो फ्रेंड्स इसकी जो एग्जाम डेट है इसकी आपको देख सकते हैं 6/3/2021 यानी कि 6 मार्च 2021 को आपका एग्जाम होने वाला है। एंड एप्लीकेशन सबमिशन डेट, तो फ्रेंड्स इसकी है 8 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 तक आप इसमें अपना अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, डिटेल ऑफ वैकेंसी, तो फ्रेंड्स इसमें जो वैकेंसीज है टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 18 है ओपन के लिए। एंड एक्स सर्विस मैन के लिए इसमें 14 एंड एचजी के लिए इसमें 21 एंड फीमेल के लिए इसमें 33% कोटा है, 45 वैकेंसीज एंड टोटल वैकेंसीज आपकी 138 हुई। अब बात आते हैं कॉन्स्टेबल जीडी के लिए, तो फ्रेंड्स इसमें जो ओपन है जनरल के लिए 472, ओबीसी के लिए भी 472, एससी के लिए 280, एसटी के लिए 349 एंड अदरवाइज स्टेट के लिए 147 पोस्ट है। एंड टोटल पोस्ट है आपकी 1748 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 387 पोस्ट है। एंड फ्रेंड्स इसमें जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 580 एंड फ्रेंड्स फीमेल के लिए इसमें आपके 1147 वैकेंसीज है। अब टोटल वैकेंसीज आपकी हुई 3862 वैकेंसीज हुई। अब बात आती है फ्रेंड्स आपकी एज लिमिट की, तो फ्रेंड्स ओपन कैटेगरी के लिए इसमें एज लिमिट आपकी होने वाली है 21 से 33 ईयर। एंड फ्रेंड्स बाहर के जो राज्य के लिए इसमें आपकी एज है 18 से 33 ईयर। एंड फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेटों के लिए इसमें 21 से 38 ईयर। एंड फ्रेंड्स इसमें आपका पे स्केल कितना होने वाला है, इसमें आपका पे स्केल होने वाला है 19,500 से 62,000 रुपये। एंड फ्रेंड्स कॉन्स्टेबल जीडी के लिए भी इसमें आपका इतना ही पे स्केल होने वाला है। अब बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की, तो फ्रेंड्स इसमें आप पासड 8वीं पास भी इसमें आप होने चाहिए, इसमें आपको क्या होना चाहिए एंड इसके अंतर्गत 10वीं पास अथवा हायर सेकेंडरी समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब बात आती है फ्रेंड्स आपकी कॉन्स्टेबल जीडी के लिए, तो फ्रेंड्स इसमें आप क्या होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर और देख सकते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है यानी कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हुई, तो फ्रेंड्स इसमें जो सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये फीस है एंड डिपार्टमेंटल चार्ज 100 रुपये एंड टोटल फीस आपकी 800 रुपये हुई। एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें 500 रुपये फीस एंड टोटल जो इसमें फीस होने वाली 600 है। एस सी एस टी ओ बी सी एंड PWD रेसिडेंट ऑफ MP के लिए इसमें 400 रुपये फीस है। SC ST OBC PWD रेसिडेंट ऑफ MP के लिए इसमें 300 रुपये फीस है। अब बात आती है फ्रेंड्स इसमें जो आप अपना कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई, तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट में इसकी विजिट पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद आपको वहां पर ऑनलाइन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द MP ऑनलाइन कोशिक पेज। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक ऑन लॉगिन ऑप्शन एंड
फिल द डिटेल्स फॉर लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड और क्लिक ऑन नागरिक पंजीकरण इट नॉट रजिस्टर्ड फिल रिक्वायर्ड डिटेल्स इन यूजर रजिस्ट्रेशन एंड पे एप्लीकेशन फीस एंड क्लिक ऑन फाइनल सबमिशन एंड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन। आप यहां पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रेंड्स की, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है नोटिफिकेशन रिलीजिंग की, तो फ्रेंड्स 26 दिसंबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन आया था एंड एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्टिंग आपकी होने वाली है 8 जनवरी 2021 से इसका एप्लीकेशन शुरू होने वाला है एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन 22 जनवरी 2021 को इसका लास्ट डेट है सबमिशन करने का एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन 27/1/2021 एंड एग्जाम डेट, तो फ्रेंड्स इसकी जो एग्जाम डेट है आपकी 6/2021 को आपका एग्जाम डेट होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।